नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अमृत वचनों के बाद अब उनके मंत्रियों के चेहरे भी उजागर होते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य के एक महिला के डांटने का वीडियो सामने आया था, तो वहीं अब राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के करतूतें भी सामने आई हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के नेता कितने संस्कारी हैं, ये तो अब धीरे धीरे सभी को पता चल रहा है। ताजा मामला राज्य मंत्री आनंद स्वरूप के आवास का है, जहां पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची महिलाओं को उनके नगर और सहयोगियों ने जमकर पीटा और सत्ता की हनक के चलते पुलिस को बुलाकर महिलाओं को लॉकअप में बंद करा दिया। मामला बलिया का है, जहां पर महिलाओं ने राज्य मंत्री आनंद स्वरूप के गनर और साथियों पर लाठी डंडों से मारपीट का आरोप लगाया है। आरटीई के तहत खाते में पैसा न आने की शिकायत करने महिलाएं मंत्री के पास गई थी। मंत्री के सामने महिलाएं अपनी बात रख रही थी कि उनके गनर और साथियों ने उनको पीटना शुरू कर दिया। राज्य मंत्री के आवास पर महिलाओं पर बर्बरता अभी रुकी नहीं, सत्ता की हनक के चलते मौके पर पुलिस बुलाकर चार महिलाओं को लॉकअप में बंद करा दिया। नाराज महिलाओं ने अपनी सहयोगियों को छुड़ाने के लिए थाने का घेराव किया। गए थे मंत्री जी के पास, आनंद स्वरूप शुक्ला के पास। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? तो गए थे तो हम लोगों से बात विचार अच्छा से हुआ। हम लोग जब बोले कि आप हमको लिखित दीजिए, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिए, हम लोगों का पैसा आएगा, तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। उसके वजह से हम लोगों को अपने गार्ड से वो मार कर धक्का बाहर निकलवाए हैं। उसके वजह से मेरी ननद एक बच्ची थी, उसमें तो अपना जूता काट के इस पे मार दिए, तो गिर कर बेहोश हो गई है, डंडा से मार दिए। कहाँ लगी है? यहाँ पर लगी। क्या हुआ है, खुल गया है क्या? हाँ, क्या? मारा कौन आपको? ओ, गार्ड लोग मारे हैं। वहीं बुलंदशहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जहां पर मंडप में दुल्हन के शादी से इनकार करने पर हड़कंप मच गया। मांग भरने के बाद दुल्हन ने दूल्हा पसंद न आने पर शादी से किया इनकार। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली इलाके का है, जहां पर दुल्हन ने मांग भरने के बाद शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के मुताबिक आज ही लड़के वालों ने रिश्ते की बात की और तुरंत शादी होने लगी, जिससे पहले तो वह इसका विरोध नहीं कर पाई, पर बाद में हिम्मत जुटाकर नापसंद दूल्हे से शादी से इनकार कर दिया। खुर्जा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को थाने में लाकर समझाने का काम किया, पर दुल्हन ने शादी के लिए मेरे को पसंद नहीं महसूस, हमने धीरे धमका कर नौकरे की शादी कर ले तू। फिर नौकरे के का ना शादी करे तो हमारे घर पैसा दो और घर जाओ। ये बात किसने कही थी, पैसा दो? इनकी माँ बाप ने। तो रिश्ता नहीं हुआ था आपका, डायरेक्ट शादी हुई है? डायरेक्ट शादी हुई है, रिश्ता नहीं हुआ पहले। तो आज ही रिश्ता, आज ही शादी? हाँ, आज ही शादी, आज ही रिश्ता। दाना क्या मामला, इन्हों की मर्जी है कि करना चाहे तो कर देंगे, ना तो कोई बात ही ना। ऐसा क्यों हुआ जब आपने पहले तय हो गई थी आपकी शादी, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि आप ना अभी पता ना क्या क्या मन में आई, हमारे पापा ने आई, हमारी मम्मी ने आई, इस बात के पीछे पता ना शादी ना कर रहे। वहीं तीसरी खबर मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पर जुआ खेलते हुए 22 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2,75,000 रुपए भी बरामद किए हैं। जुआ घर में छापामार कार्रवाई करते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुदूर ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा था, जिले भर से जुआ खेलने जुआरी पहुंचे थे। जुआ खेलते हुए 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों के कब्जे से 12 ताश की गड्डी, 22 मोबाइल फोन, 2,75,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। लंबे समय से इस स्थान पर जुआ घर चलता आ रहा है। यहाँ पर मथुरा ही नहीं, समीपवर्ती जिलों से भी जुआरी हार जीत की बाजी लगाने आते रहे हैं। महावन के जगदीशपुर रोड पर स्थित गांव नारायणगढ़ी में सत्यपाल उर्फ छोटू के बंद मकान में बड़े स्तर पर जुआ होने की सूचना पुलिस को मिली। शादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसमें थाना महावन में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी संख्या में लोगों के द्वारा जमावड़ा कर वहाँ पर जुआ खेला जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा वहाँ पर रेड किया गया। इस पूरी रेड में, सफल रेड में 22 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनके कब्जे से 2,65,000 से भी ज़्यादा की जो धनराशि है वो मिली है, ताश की गड्डियाँ मिली हैं, मोबाइल फोन्स मिले हैं व अन्य चीज़ें मिली हैं। इन सभी लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी जितने भी ऐसे अवैध काम हैं, चाहे वो जुआ है, चाहे नशा है या अवैध शराब के काम है, लगातार सभी अधिकारियों को और सभी थानाध्यक्षों को और सभी फोर्स को ये निर्देश दिए गए हैं,
कि उनके ऊपर कड़ाई से प्रहार किया जाए और ऐसे सभी गतिविधियों पर नजर रखते हुए इनका की समाप्ति की जाए। वहीं संबल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक महीने के अंदर 200 से ज्यादा अपराधियों को जिला बदर किया गया है। साथ ही एक दर्जन से अधिक जिला बदर अपराधियों को अवैध शस्त्र के साथ कोर्ट में पेश किया गया है। संबल जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पंचायत चुनाव नजदीक है और ऐसे में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह के भीतर जिले भर में 200 अपराधियों को जिला बदर किया है। वहीं जिला बदर के बाद भी जिले में रह रहे 11 जिला बदर अपराधियों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्हें बताया कि आगामी चुनाव में शांति व्यवस्था को खतरा पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले एक महीने में लगभग 200 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिला बदर होने के उपरांत भी कुछ ऐसे अपराधी हमारे सामने आए जो अभी भी जिले में रह रहे हैं। इनका कल रात को 24 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 थाना कोड़ फतेहगढ़, 1 धनारी, 4 संभल और 4 बहजोई थाने के अपराधी हैं। इनको ऊपर दोबारा से मुकदमा पंजीकृत करके इनको अभी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इस तरह के लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की प्रिवेंटिव कार्यवाही जारी रहेगी और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए संबल पुलिस तत्पर रहेगी। श्रावस्ती के भिगना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर में मौजूद एक दिव्यांग की झुलस कर मौत हो गई है। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र के सेमरी बिहानी ग्राम पंचायत के मजरा गुलौतपुर में सुबह 9 बजे जब ग्रामीण खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे थे, अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग को हवा का भी साथ मिला और देखते ही देखते आग ने उग्र रूप ले लिया। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक मंशाराम हीरा लाल की गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी। मंशाराम के 12 वर्षीय दिव्यांग पुत्र अजय की झुलस कर मौत हो गई, जबकि उसे बचाने के प्रयास में मां कलावती गंभीर रूप से झुलस गई। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।